अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सिग्मा मोटर्स। आज हम लेकर आए हैं आपके सामने होंडा ग्रेस 2017 मॉडल और 2020 की इम्पोर्ट। ये एक सडिशन टॉप ऑफ द लाइन। अगर आप इसके फ्रंट को देखें तो आपको इसमें डे लैम्प चलते हुए नज़र आएंगे और ये जेन्युइन एसएमडी के साथ लाइट आती है। बहुत ही खूबसूरत मैरून कलर है इसका। सेडान के अंदर हाइब्रिड में होंडा ग्रेस के अलावा ऑप्शन कोई नहीं है। अगर आप इसके साथ कंपैरिजन प्रियस का करते हैं तो प्रियस सेडान कार में नहीं आती, वो हैचबैक में आती है। अगर आप इसके फ्रंट को देखें तो उसकी बड़ी खूबसूरत ग्रिल है। इसके फ्रंट पे इसके लोगो को देखें, इसका ब्लैक कलर का लोगो लगा हुआ है। एक्चुअली ये रडार है, ये फ्रंट अडॉप्टिव क्रूज के साथ है, लाइन असिस्ट के साथ है। ये गाड़ी टॉप ऑफ द लाइन फुल ऑप्शन है। पैडल शिफ्टर इसमें ऑलरेडी है, फोग लैम्प्स के साथ है ये गाड़ी। साइड मिरर्स रिट्रैकेबल है, इसके इंडिकेटर्स एसएमटी के साथ रिट्रैकेबल मिरर्स में नजर आ जाएंगे। अब डोर्स के हैंडल्स देखें, वो क्रोम के बने हुए हैं। बैक जेन्युइन स्पॉइलर के साथ आती है। बैक डिग्गी पे आपको क्रोम फिटिंग काफ़ी ज़्यादा नज़र आती हैं। बैक लाइट्स इसकी एसएमडी लाइट्स हैं। इसकी बैक बाय डिफॉल्ट बैक बम्पर पे एक बॉडी किट लगी हुई आती है जापान से। अगर आप इसके टायरों को देखें तो 16 इंच अलॉय रिम के साथ आती हैं। ये जेन्युइन 4000 चली हुई गाड़ी है, ब्रांड न्यू 0 मीटर जैसी गाड़ी है ये। अगर आप इस गाड़ी के अंदर देखें तो आपको बहुत ज़्यादा गैजेट्स नज़र आएंगे। लेदर और फैब्रिक के साथ इसकी सीट्स आती हैं। अगर आप इसके स्टीयरिंग कंट्रोल्स को देखें तो यहाँ पर आपको राइट साइड पे इसका क्रूज सिस्टम प्लस लाइन असिस्ट मिलता है। लेफ्ट साइड पे अगर आप इसके देखते हैं आपको मल्टीमीडिया नज़र आएगा, और अगर बिल्कुल उसके नीचे आप देखें तो आपको ब्लूटूथ के कंट्रोल्स मिलेंगे। अगर स्टीयरिंग के बैक पे आप देखते हैं तो आपको पैडल शिफ्टर नज़र आएंगे। आप इस गाड़ी को मैनुअल भी चला सकते हैं, ऑटो पे भी चला सकते हैं। अगर आप इसके राइट साइड पे इसकी डक्ट्स के नीचे देखें तो आपको इको सिस्टम नज़र आएगा। आप इसको इको मोड पे यहाँ से एक्टिव कर सकते हैं और डीएक्टिव भी कर सकते हैं। उसके नीचे इसके कुछ कंट्रोल हैं, लाइन असिस्ट को आप ऑफ कर सकते हैं। 4 इसमें मिनिमम एयर बैग्स आते हैं। क्लाइमेट कंट्रोल हीटिंग सीट्स के साथ है ये गाड़ी। पुश स्टार्ट कीलेस एंट्री है। इस गाड़ी की अगर हम डीवीडी की बात करें तो इसमें डीवीडी की जगह एंड्रॉयड पैनल लगा हुआ है जो कि 11 इंचेस का है। बैक व्यू कैमरे के साथ है। इस गाड़ी में सिर्फ एक कैमरा आता है बैक पे। अगर आप इसके ऊपर देखें तो आपको स्पॉटलाइट नज़र आएगी। जो इसका रियर मिरर है वो पावर्ड होता है। साइड मिरर इसके पावर्ड आते हैं दोनों साइडों के। अगर इसकी बैक सीट्स को देखें तो वो भी आपको हाफ लेदर और हाफ फैब्रिक नज़र आती हैं। ये भी ड्यूल एसी के साथ आती है बैक सीट्स के। बाकी की जापानीज गाड़ियों की तरह इसमें भी टच बटन के साथ ट्रंक ओपन होता है। अगर आप इसका ट्रंक ओपन करें तो आपको नज़र आएगा कि इसमें बैक व्यू कैमरा भी है और यहाँ टच बटन लगा होगा। बहुत वाइड स्पेस है। अगर हम लोकल गाड़ियों में कंपैरिजन करें तो सिविक और सिटी जितना ही इसका ट्रंक है। इट्स अ ब्यूटीफुल कार। अगर आप सेडान कार में जाना चाहते हैं हाइब्रिड में तो होंडा ग्रेस अच्छी ऑप्शन कोई नहीं है। थैंक यू सो मच सोफिया।